लोक इंसाफ पार्टी के वलों पार्लीमेंट वालू जरा मार्च किया जाना है उस तस्वीर असं तुम दिखाने जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर है जिथे कि बैरीगेटिंग बहुत ज़्यादा सख्त हरियाणा पुलिस के वालों की गई है। लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही ने कि हरियाणा के धारा 144 लगी हुई है, वाटर कैनन शुरू कर दिता गया है और चेतावनी दी जा रही है लोक इंसाफ पार्टी के लीडर वर्करां कि आपो अपने घरों वापस चले जाओ। 144 धारा हरियाणा के लगी हुई है, चार तो वध बंदे इत्थे इकट्ठे नहीं हो सकते, तुहानू एंटर भी नहीं होण दिता जाएगा। जेकर गल ना मनी गई तो बल प्रयोग किया जाएगा। लगातार नारेबाजी लोक इंसाफ पार्टी के लीडर वर्करां दे वल्लों की जा रही है। बैरीगेट्स तोड़न की कोशिश लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां वल्लों की जा रही है। लगातार चेतावनियां हरियाणा पुलिस के वल्लों दित्तियां जा रही ने कि अजिहा ना करो नहीं तो तुहाडे ते बल प्रयोग किया जाएगा। वाटर कैनन स्टार्ट कर लिया गया है और चेतावनी दे दी गई है कि जेकर तुसीं ना हटे तो तुहाडे ते बल प्रयोग किया जाएगा। भाव पानी दीआं बछाड़ां लोक इंसाफ पार्टी के लीडर वर्करां ते कीतियां जा सकदियां ने। सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां की अगवाई दे विच ये सारा मार्च किया जा रहा है दिल्ली वालू पार्लीमेंट वालू, वो भी हुण अगे वधदे दिखाई देंदे ने। पहला सिर्फ लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर ही नारेबाजी कर रहे सन, हुण MLA सिमरजीत सिंह बैंस बलविंदर सिंह बैंस आप भी बैरीगेट्स दे नाल खिचा तुई करदे दिखाई देंदे ने। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिता गया है। लोक इंसाफ पार्टी के वर्करों के लीडरों को पहला ही चेतावनियां दी गई सन कि जेकर तुसी ना हटे तो बल प्रयोग किया जाएगा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा तुसी देख सकते हो। जल्दी करता वैसे ऑर्डर कैनन हाले नहीं सी छोड़े चाहिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल रोक दिता गया है, जिस तों बाद फिर एक बार लोक इंसाफ पार्टी के लीडर वर्कर अगे वधदे दिखाई देंदे ने। नारेबाजी लगातार जारी है सिमरजीत सिंह बैंस के पक्ष विच मोदी सरकार के खिलाफ। तस्वीरां तुहानू पंजाब अते हरियाणा के शंभू बॉर्डर तो दिखा रहे हैं जिहड़ा कि एकमात्र रस्ता है पंजाब तो दिल्ली इस रस्ते जाण दा। पुल के उपर बैरीगेटिंग हरियाणा पुलिस के वलों की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल एक बार फिर तो शुरू कर दिता गया है। बहुत जबरदस्त बल प्रयोग हरियाणा पुलिस के वलों किया जा रहा है। लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर गल तो पिछे हटते दिखाई नहीं देंगे, कहिंदे असी जाना ही जाना है, पार्लीमेंट घेरनी है। पर हरियाणा पुलिस भी अपनी जित अड़ी है कि हरियाणा के 144 धारा लगी हुई है कोरोना के करके, इस करके असी तुहानू अगे नहीं जान देंगे। अजिहियां अनाउंसमेंट्स हरियाणा पुलिस के वलों भी कीतियां जा रही ने। लगातार वाटर कैनन वाली गड्डी नूं अगे लिया जा रहा है क्योंकि इसकी पहुँच तो लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर अगे चले जाते सन। लाइव तस्वीर तुम द पंजाब टीवी पर देख रहे हो पंजाब अते हरियाणा के शंभू बॉर्डर तो जिथे लोक इंसाफ पार्टी के वलों पार्लीमेंट का घिराओ करने लई मोटरसाइकिल मार्च किया गया, जिसनों हरियाणा पुलिस के वलों शंभू बॉर्डर से रोक लिया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पानी दी बुछाड़ा लोक इंसाफ पार्टी के लीडर वर्करां ते कीतियां जा रही ने। बहुत जबरदस्त बल प्रयोग हरियाणा पुलिस के वलों पहला यूथ कांग्रेस से किया गया सी, अज वारी आई है लोक इंसाफ पार्टी की। तस्वीर तुहानू लाइव द पंजाब टीवी दिखा रहा है।
सिमरजीत सिंह बैंस बलविंदर सिंह बैंस की अगवाई दे विच लोक इंसाफ पार्टी के दो विधायक ने उन्होंने अगवाई दे विच मोटरसाइकिल मार्च किया जा रहा है जिसनों के हरियाणा एंटर नहीं कर दिता जा रहा शंभू बॉर्डर से रोक लिया गया है। बहुत जबरदस्त बैरीकेडिंग की गई है, पूरा जोर लोक इंसाफ पार्टी के लीडर के वर्करों वालों लाया जा रहा है कि बैरीकेड्स को तोड़िया जा सके उन्होंने लंघिया जा सके पर असफल होंदे दिखाई देने। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया हरियाणा पुलिस के वालों, तस्वीर तुम देख रहे हो वाटर कैनन का इस्तेमाल दो तीन बार लगातार किया जा चुका है पर अजे भी लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर पिछे हटते दिखाई नहीं देते। एक बार फिर तो वाटर कैनन शुरू किया गया है, जबरदस्त बल प्रयोग हरियाणा पुलिस के वालों लोक इंसाफ पार्टी के वर्करों उपर किया जा रहा है। बुछाड़ा देख सकते हो तुम, जबरदस्त बल प्रयोग लोक इंसाफ पार्टी के वर्करों से लीडरों से किया जा रहा है। मुद्दा तुहानू एक बार फिर तो दस दें, तीन खेती बिल केंद्र सरकार वालों पास करवाए गए हैं, उन्होंने पूरे पंजाब दे विच किसान विरोधी दसया जा रहा है। लोक इंसाफ पार्टी के वालों मोटरसाइकिल मार्च रखा गया सी एक कि पंजाब तो दिल्ली तक जाना है और देश की संसद को घेरा पाना है, जिस दे विच एक कानून पास किए गए हैं क्योंकि सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़े कि इन्हां दे लीडर ने इस वेले वो कहिंदे ने कि काले कानून संसद दे विच पास किए गए हैं। जेकर तुहानूं हलचल दसण की कोशिश करिए, हलचल दिखाने की कोशिश करिए, लाठीचार्ज की तैयारी लगभग हुंदी दिखाई दिंदी है क्योंकि वाटर कैनन के इस्तेमाल दे नाल लोक इंसाफ पार्टी के लीडर पहला पिछे हटते हैं फिर एक बार अगे आ जाते हैं, बैरीकेड्स नूं लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। इस करके हलचल तो इदा लग रहा है कि जिवें लाठीचार्ज की तैयारी कर ली गई है। एक गड्डी पानी की खत्म होने की कगार से इस करके होर पानी मंगवाया गया, पानी दी गड्डियां मंगवाई गई ने। तुसीं देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर लोक इंसाफ पार्टी के लीडर पिछे हटन का नाँ नहीं लै रहे, कई दियां पग्गां लत्त गईयां ने, कई जख्मी भी होए ने दिखाई दे रहे हैं, भिज गए ने पूरी तरह पर फिर भी वो पिछे होंदे दिखाई नहीं दिंदे। तस्वीरां में तुसीं साफ देख सकते हो जबरदस्त बल प्रयोग हरियाणा पुलिस के वलों उन्हां लोकां ते जिहड़े कि मोटरसाइकिल मार्च कर रहे सन दिल्ली वल नूं, कहिंदे सन कि देश की संसद घेरनी है जिथे ये कानून पास किए गए ने जो सानू मंजूर नहीं। तस्वीरां लगातार तुहानूं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब अते हरियाणा दे बॉर्डर तो हरियाणा पुलिस के वलों वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार जारी है। बहुत सारे लोगों दियां इत्थे पग्गां लत्त चुकियां ने, कई डिग के सट्टां भी लवा चुके ने, तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने। लाठीचार्ज की तैयारी भी हरियाणा पुलिस के वलों लगभग कर ली गई है। एक गड्डी पानी खत्म होने वाला, इस करके नाल फायर ब्रिगेड की गड्डी भी मंगवाई गई है ता जो पानी गड्डी विच होर भरिया जा सके। बहुत खतरनाक तस्वीरां कह सकते हैं कि एक सूबा पंजाब इस वेले अपने ही देश की सरकार के खिलाफ गुस्से में आता दिखाई देता है, मार्च करता है, रोस प्रदर्शन करने की कोशिश की जाती है पर दूजे सूबे दे वल्लों उन्होंने एंट्री नहीं दी जाती है। तुहाड़ी जानकारी लई एक बार फिर तो दस दईए, कि जिहड़े कानून पास किए गए ने उन्होंने खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी के वलों देश की संसद घेरन के लिए रोस मार्च, एक मोटरसाइकिल मार्च, पानी दियां बुछाड़ां लगातार जारी ने। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो देश की संसद को घेरन का ऐलान लोक इंसाफ पार्टी वालों किया गया सी। दूर दूर तक खड़े लीडरां अते वर्करां ते कोशिश की जा रही है कि उन्हां सारिआं ते पानी दियां बुछाड़ां मारिया जा सकन। तस्वीरां देख रहे हो पंजाब अते हरियाणा दे शंभू बॉर्डर तो अजीब स्थिति देश दे विच बनी हुई दिखाई दिंदी है। एक सूबा बिल्कुल अपने ही देश की सरकार दे कानूनां तो मन्नण नूं मन्नण तो इनकारी है अते रोस प्रदर्शन करन दे लई अपने ही देश की संसद नूं घेरन दे लई जा रहे सन पंजाब की एक पोलीटिकल पार्टी के नुमाइंदे पर उन्हां नूं दूजे सूबे विच ही एंटर नहीं करन दिता जा रहा। की कह के कहिंदे ने करोना है, करोना बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, हरियाणा के धारा 144 ला दी गई है करोना के करके ता जो बंदे ना इकट्ठे हो सकन, करोना ना फैले, इस करके हरियाणा के इन्ने बंदियां नूं एंट्री नहीं दी जाएगी।
उस करके ही ये तस्वीर बनदियाँ दिखाई देंदियां ने। बैरीगेड्स नू लगातार तोड़न की कोशिश की जा रही है, तस्वीर तुम दिखा रहे हैं। बैरीगेड्स नू हटाने की कोशिश की जा रही है, तुम तस्वीर लाइव दिखा रहे हैं। देखो खोलन की कोशिश की जा रही है कि बैरीगेड्स नू किसी तरह खोल दिता जाए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी है। तस्वीर बहुत खतरनाक कह सकते हैं कि एक सूबा जिहड़ा कि मंग कर रहा है कि साड़ी किसानी तबाह हो जाएगी, अजिहे कानून लागू ना करो, सानू बख्श दिओ। मोटरसाइकिल मार्च कर रहे सन अते ये तस्वीर हुण सामने आ रही ने।